आज हम लोग कहीं हॉन्टेड लोकेशन पर नहीं जा रहे या कुछ एक्सप्लोर करने नहीं जा रहे। आज मैं आप लोग को मिलाने वाला हूँ अपने स्कूल दोस्तों से, जो कि बहुत ही खास है। और ये रमेश स्कूल का दोस्त, ये पार्थ है, और इसको तो आप पहचानते हो, हमारे कॉलेज वाला सुमित नाम। तो अभी आज हम लोग कहाँ जाने वाले? आज हम जाने वाले लोनावाला, जो प्लान एकदम अचानक बना है। आधे घंटे पहले ये प्लान बना हुआ है। पहले जा रहे थे आर्य कॉलोनी, ऑन द स्पॉट प्लान है। तो लोनावाला जाने का कहाँ पे टाइगर पॉइंट है, दिमाग में आया कि जाना है तो जाना है। अब पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे वो पता नहीं, लेकिन अभी निकले हुए। और ये हाईवे पे नई मुंबई का हाईवे है जो पुणे की तरफ जाता है। पुणे हम लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ना, यहाँ से कितना टाइम लगेगा पहुँचने के लिए? यहाँ से करीबन 1.5-2 घंटा लगे। और हमारे रास्ते पे मत जाना है, पूरा ब्लॉग ऐसे ही बनने वाला है। पूरा का पूरा ब्लॉग आज आप देखोगे क्या क्या हम लोग के साथ होता है। हम लोग का असली अंदर का जो शैतान है, इस टाइम मुझसे शर्त लगा है कि कहीं पे भी डरा तो ये उतरेगा। इसके लिए हम लोग आर्य कॉलोनी छोड़ के ना चले जाए। आर्य कॉलोनी इसके लिए जाने वाले थे, लेकिन उसके अभी हाईवे पे जाएंगे। आर्य अभी कोई भी डरा रास्ता दिखेगा तो फिर वहाँ पे इसको ही अकेले उतर के इसको गिर जाएगा। सॉरी गाइस, कमेंट करके बताइए आदमी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लुक एट हिज वॉइस। और इसका पेट नेम क्या है इसका? रेमो ना। इसके बॉडी पे मत जाओ, बॉडी पे मत जाओ। वो आपने पिक्चर देखा रहेगा आ रही है अपरचित। अपरचित हां, तो फुल बॉल में डायलॉग सुन ले, लगाइट नहीं बोल। ये कट 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 ये सब नहीं पढ़ा लो। तो ऐसे आपको देखने मिलेगा आगे के पूरे लोनावाले के ट्रिप में, यही सब हम लोग आपको दिखेंगे। झेल ले, आप झेलते रहना। आप लोग ये क्या है रे, लाइट वीट चल रहा किधर? लाइट वीट देखना सामने, नवी मुंबई, नवी मुंबई, वाशी ब्रिज है ये, वाशी सेक्टर 17 17 नंबर। 11:30 बजे रात को मुंबई 17 भाई, वाशी में ना, वाशी है। निकल गए हम लोग टाइगर पॉइंट के लिए। मैं अपने सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ, समझा? तेरे को पूछा गया? इन लोग ने पूछा है, देख पूछा गया। ओके ठीक है, तो आगे ऐसे मस्त दिखा रहे हैं। ये नेरुल का डैम है, जो छोटा सा छोटा थाने का। कौन सा डैम है? देखो अपन जाता है, तू बोला भी रहता देख जाने का करके। उपवन सा, ये एक छोटा सा इधर अपना नाम क्या? और ये अपना ये साइड पूरा वाशी ब्रिज है। ये वाशी ब्रिज का पूरा खाड़ी जो बोलते हैं वो ये एरिया है। यहाँ पे काफी लोग खड़े हुए सैर सपाटे कर रहे हैं। कभी भी 24/7 पब्लिक रहता है ये। अंदर चलते, पकड़ेगा, हिला मत, मतलब कोशिश करना ज्यादा हिलाने का। ये लॉक किया ना मोबाइल है अंदर। नाम मालूम है कहीं जगह? नेरुल डैम। गाड़ी लॉक किया ना मोबाइल में? अरे किया। कुछ फिक्स नहीं था, हम लोग ऐसे अभी रास्ते पे जो जो चीज आ रहा है वो सब देखते हुए जा रहे हैं। पूरी सुबह तक वापस आने का प्लान। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये सब चीजें। हाँ, हमें नहीं पता, इधर नहीं आया था ना कभी नहीं। बस आज ऐसे मूड हुआ, बहुत दिन के बाद मिले, 1-2-3 महीने के बाद मिल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद वैसे ही बहुत कम हो गया हम लोग का मिलना। दिन का सीनरी बहुत भारी है। हाँ, तो सुबह तक ऐसे ब्लॉग बनेगा तो देखते रहिए। ठीक है ना, आजा अंदर। चंदन इधर है ना, क्या उसको जूम मार सकते हैं? है ना इधर जूम का, इधर किधर भी कर रहे हैं। लाइट्स ऑन में है ना, ऊपर लाइट्स ऑन में, फिर इसको फिर ऐसे कर दे। ठीक है, हम नहीं आ रहे हैं अगले वाले घर आगे बच्चाएंगे। लीला जी बोलेंगे, देवी प्रसाद बोलेंगे आगे। कैमरामैन हमारे रमेश कृष्णमूर्ति और सुमित योहानी सिंह।
आया रहेगा हाँ आया तो रहेगा उसमें क्या सेंसर होने वाला वर्ड नहीं है जो है नेचुरल चीज है बोल के वीडियो बना रहे आज फुल एकदम धमाल रहने वाले आज हमारा दोस्त रमेश अंदर आपको ना के दिखाएगा कि इसमें मगरमच्छ है कि नहीं नहीं है नहीं यहाँ पे मगरमच्छ अच्छा रमेश ना आएगा तू बोल रहा था ना जाना अंदर नीचे तू बोला आरे कॉलोनी में जाएगा तो पानी वाली जगह है बैठो यार और बताओ सब बढ़िया पानी वाला और ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा होगा या तो दो पार्ट में होगा या तो मैं एक ही साथ डाल दूंगा अगर 20 मिनट से ज्यादा हुआ तो दो पार्ट में ठीक है पहला पार्ट हिट हुआ तो दूसरा पार्ट डालेंगे सॉरी ब्रो नहीं नहीं कट सॉरी यू नो और नीचे कमेंट करके बताना इन लोग को ज्यादा लेना है क्या ब्लॉग में तो हमेशा इन लोग के मतलब जो लोग नहीं बोले तो लेगा नहीं हम लोग ब्लॉग में तो कमेंट अपन भी करते कमेंट अपन भी करते हां मेरे ब्लॉग में कमेंट करने वाले आधे इन लोग रहते लाइक करने वाले आधे इन लोग रहते शेयर भी करता है ये आदमी ये प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पार जोशी ये हमारे शायर है एक्सप्लोरर है ना दुनिया के लिए जादर वाला लड़की देख रहा शर्मा आ गया शर्मा आ गया शर्मा आ गया शर्म आ गया शर्म का बात नहीं देखो चलो बंगलर से निकले 11:30 बस अभी बराबर यहां से और 15 मिनट पहले फिर आपने वो झंडे के पास रुक कितने बजे हां निकले तो जितने बजे आएंगे जितने देर भूख ना लगे पेट में झंडा के पास रुक के बेला के पास नहीं नहीं मतलब आते टाइम में भूख ना लगे रात को तो भूख नहीं लगेगा ठीक है अरे और बेलापुर व्हाइट हाउस के पास रुक के झंडा के पास हां चल आगे आपको बेलापुर व्हाइट हाउस बहुत बड़ा नेशनल फ्लैग है नंबर महानगरपालिका का हेड ऑफिस है नवी मुंबई का वो जल्दी है ना जल्दी वो दिखाएंगे उधर फ्लैग बहुत मस्त है ठीक है तो वहां पे आगे मिलते हैं आइए चल आइए तो हां ये तो मत
तो हम लोग अभी हाईवे से चाय पीने के लिए उतरे हुए फूडवे में। क्या है जगह का नाम? लोनावाला टोल नाका से सिर्फ लेफ्ट मारो आपको मिल जाएगा। कितना बज रहा है? 12:45 बज रहा है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक है तो ज़्यादा कुछ और नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंडा ठंडा लगता रहा है। और रमेश कुछ बोलना चाहोगे? बस और क्या, चाय पीने के लिए। ये हमारा आज का गाइड है, इसने बोला था कि हाईवे पे गाड़ी हैवी व्हीकल नहीं चलती है, चलना चालू हो गई है, पूरे रास्ते पर हैवी व्हीकल दिखी है, तो इसीलिए हमने ना इन्होंने मेरे को बहुत परेशान कर दिया। आप समझ जाओ कितना गड़ा बनाता है ये। चलो चाय पीते आप बोल। और हम रात को 1 बजे चाय पी रहे हैं इंद्रयानी अमृतालय में। कैसा है चाय? चाय जैसी है। मलिक कितना खर्चा होगा? चिप्स भी ले। चिप्स नहीं मिल पाएगा। चाय ठीक है, ठीक है सर, अगर 10 रुपये की है तो वर्थ है, इससे ज़्यादा की हुई तो बिल्कुल मत पीना। कैसी लगी रमेश चाय? फुल पटांग पटांग। इसको तो हर चीज़ पटांग ही लगता है। अरे बंगार चाय 25 रुपये के लायक नहीं हो, चाहे 10 रुपये के लायक है। मैं तुम क्या बोल, 10 रुपये भी ज़्यादा बोल दिया, वो 7 रुपये का कटिंग मिलता हमारे। 25 रुपये का, 25 रुपये का बहुत महंगा चाय दिया है। दिखाते हो नाम क्या? अपना दूसरे टाइम आगे चाय पीना नहीं। दिखा दिखा, बहुत पैसे वाले हैं तो आप यहाँ पे आके चाय पी सकते हैं। 25 रुपये की चाय के लायक नहीं। हम यहाँ कैसा महसूस कर रहे जैसे हमने ताज में चाय पी हो। 25 रुपये का वर्थ नहीं था, लेकिन 25 रुपये का वर्थ नहीं था, कसम से। वर्थ की सारी बोल बनाया जो हम बोलते हैं। रमेश मेरे को एक वो करना था, इधर खड़े रहना रमेश, प्लीज रमेश, रम्या पार्ट पकड़ना उसको। ये तो ऐसा हो गया, गाड़ी रमेश रुको यार, तेरे टी शर्ट में क्या लिखा वो तो बता। तो हम लोग वापस निकल गए चाय पी के आगे के लिए। घाट स्टार्ट हो रहा है, घाट स्टार्ट हो रहा ना। यहाँ से कितना दूर है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर है। हाँ तो एक घंटे में ना, आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। जाम लगा हुआ दूर से देखो तो जाम।
हम आए हैं अभी लोनावला लेक देखने लायक। कितना बज रहा था? 3:30 हो गया। आपको निकले कितने बजे थे? 10:30 ये बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा स्पॉट है देखने के लिए। बारिश के यहाँ पे, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ होता है, वहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ से झरना आता है, तो ज़्यादा करे क्राउड आपको यहाँ पे दिखेगा बारिश के टाइम पे। अभी भी है क्राउड, ऐसा नहीं है। दिखा दो वो भी दिखा दे। गाना भी बज रहा है, कॉपीराइट क्लेम भी आएगा। तो अभी पहुँच गए हम लोग टाइगर पॉइंट पे, इसको लायन गेट भी बोलते हैं, लायन पॉइंट भी बोलते हैं, नाम चेंज हो गया। और बज रहे 3 बज रहे, ये देखिए 3 बज गया, आज जाते हैं। और ये देखिए इधर का, हम लोग लगा कोई नहीं आ रहा, लेकिन काफी लोग चंदन सिंह के बर्थडे में, और उसके बाद अभी 2021 31 जैन को आए यहाँ पे हम लोग, मूवी नाइट आउट, नाइट आउट कर मूवी सडनली वाला प्लान जो हम लोग ने ऑलरेडी बताया था आपको स्टार्टिंग में, वही है। अभी हम लोग आने के टाइम पे कौन दिखा था? एक लंबा, एक बूढ़ा बूढ़ा सा आदमी सफेद कपड़ा पहन के खड़ा था, हम लोग देख के डर गए रात के 2:30 बजे, जो कि हमारे ऐसे ऐसा करके गाड़ी रोक रहा था, गाड़ी रोक रहा था, कैमरे में ले नहीं पाया, ले नहीं सके, वरना आपको दिखाते कि ऐसी असली स्पूकी एक्सप्लोरर क्या होता है। हालत खराब हो गया था अचानक। माय चैनल स्पूकी एक्सप्लोरर, हम यहाँ पे लोनावला में आए। हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। आप व्यू देखिए यहाँ पे, आप अगर रात में आ रहे हो तो बहुत ही बोलते ना वर्थ है यहाँ पे आना, बेस्ट जगह, अच्छा व्यू है, सिर्फ जैकेट वैकेट डाल के आना, बस सिर्फ इस टाइम पे आ रहे हो तो जैकेट वगैरह अपना कैरी करके आना। तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ होती है, बोन फायर हो रहा है, वही होता है जब आप योग्य और आपकी योग्यता जलन हो रहा है, अभी ऐसा मन करो बैठ जाओ जाके उधर। अभी हम आगे जाके बोन फायर लेने वाले, जो कि हम आगे दिखाएंगे, आगे दिखाएंगे और गाना लगाएंगे, डांस कर रहा है हवे ठंडी के चक्कर में। ओ सनम मोहब्बत की कसम, उसको निकल रहा है, उसका अलग अलग जगह से ठंडी निकल रहा है। थोड़ा जूम में आओ, तुम जूम में आना है, उतरे तो अंधेरे में नहीं दिखता। दोस्तों अब हम जाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या है। हम इसने बोला था कि यहाँ हम तारों के शहर जा रहे हैं, नहीं अब हमारे पास ना पानी बचा है ना खाना, देखते हैं उस जंगल में क्या मिलता है। आइए तो चलिए शुरू करते हैं, जलाने का कोशिश कर रहे हैं, लकड़ी या ये सब जमा करके हम लोग बोन फायर कर रहे हैं। इसने, से ना, इसने बोला था यहाँ जाने का, अभी बोलता है वहाँ जाने का, लकड़ी लेने का। देख लीजिए ये वाला जून देखिए और यहाँ का जून देखिए। चाचा बियर गिल के नाम से हम उनको प्रणाम करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हवा की वजह से पूरा ब्लर हो रहा है। हमें सांप मिले तो हम भोजन कर लेंगे, उसको दिख रहा है देखो वहाँ दोस्तों, आइए जरूर देखते हैं, भागो 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 निक चल रहा देखो। ये हमने हमारा फ्री का बॉनफायर जला दिया है, ये जो कि सुमित और रमेश ने ढूंढा था, रमेश ने ढूंढा था, हम हमको क्या हमारा क्या मिले इसमें, हमारा क्या ये, लेकिन ये आग जल गई है, सुमित सक्सेस हो गया आग जलाने में, पूरा मेहनत सुमित का था, 10% 10% और बाकी का किसका था, हमें सब अपना था, सब अपना, सब मेहनत की, हम लोग नहीं इतने मेहनत नहीं पाए, यही इसको बोल रहा लकड़ी जमा कर, नारियल जमा कर, प्लास्टिक ला रहा है, सुनने को चाहिए इतना इतना बोल के भी सुनने को तैयार, ये नारियल लाया, ये घास लाया, मैं लकड़ी लाया, ये खाली लाइटर लाया, ये लाइटर लाया। हेलो गाइस, ये कहाँ जा रहा है हमारा देश? हेलो चैनल, वेलकम टू माय गाइस। डायलॉग चली जलाई आग तो हर भी जला लेता है, चिंगारी से जो आग लगा दी उसी को सुमित ने। वाह वाह वाह, चार आना, चार आना।
5 रुपए हार करो। जैसे आए थे वैसे निकलना भी है। तो इसके लिए ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, नहीं तो सनराइज़ के लिए रुकते हैं। एक दिन प्लान करके अपन ना सनराइज़ से आएंगे जैसे सनराइज़ हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको सनराइज़ वीडियो अच्छा लगा और सनराइज़ देखना है यहाँ का, तो अपन हम लोग सनराइज़ के टाइम पे 4 बजे निकलेंगे ना, लेकिन 3 या 4 3 बजे हाँ मिडनाइट निकलेंगे सुबह सनराइज़ कैप्चर करेंगे, पूरा सनराइज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छा भी लगे तो भी इन लोग की हम लोग की मस्ती मजाक, ये तो कुछ नहीं था कैमरे के सामने थोड़ा था, ऑफ कैमरा हमने बहुत मस्ती की। हाँ ऑफ कैमरा बहुत मस्ती की। क्या है थोड़ा सेंसर हो जाएगा इसके लिए नहीं। मस्ती आप लोग को हम लोग की पसंद आई तो वो भी आप कमेंट करके बताना, तो और ऐसे ही ब्लॉग हम लोग बनाएंगे मस्ती वाला। आज का कुछ प्लान नहीं था, कुछ प्लान नहीं था, खाली ऐसे ही लिख लेते मिले नहीं देखो यहाँ आ रहे कि हाँ आ रहे निकल गए बस घर के बाहर निकले थे। मैंने अपने घर पे बोला था मैं आ रहा हूँ 1 घंटे में, मजाक नहीं सुना। और जो इसको लोग पसंद नहीं आता मुझे नहीं, ये चारों में हम लोग ना ऐसी है जो हम लोग को पसंद नहीं, एक दूसरे को नहीं पसंद आता वो एक। कुछ लोग है जिसका नाम नहीं ले सकते, कॉमन है वो ये वीडियो देखेंगे भी, देखेंगे समझ जाएंगे नहीं समझ। हाँ ऐसे नाम आता है बहुत लोगों का, आखिर नाम ले लिया। कट दिस नहीं है, बहुत लोग है ऐसा नहीं, मतलब है दोस्त लोग है जो भी है, है कुछ लड़कियां भी है कुछ लड़के भी है। तुम पूरा एक्सप्लेन कर दो मेल है कि फीमेल है सब बता दो उसका। तो कुछ लड़कियां भी कुछ लड़के भी है बता, उसने अल्फाबेट बता, तुमने मेल फीमेल बता, मेल फीमेल बता दे नहीं, इतना भी नहीं बताने का है। बहुत लोग आए बहुत लोग गए ये भी है, लेकिन हम लोग 4 लोग थे, पट्टी बदलना पड़ा तो इसके लिए वापस आ गए। तो कहाँ थे हम लोग? नहीं उसमें नहीं थे, लोगों की बात कर, आम लोगों की लाइफ में भी ऐसा कुछ लोग रहेंगे जिससे आप पहले बहुत बात करते थे फिर बंद हो गए कुछ कारणों से बहुत कुछ कारणों से होता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ होता रहता है जिंदगी में, लोग आते हैं जाते हैं उतार चढ़ाव, वो भी यही है हम भी यही है हम भी यही है भी कुछ उखाड़ भी रखे हैं। जाकिर भाई सोने सोने मिला है, मजा क्या
आप पहुँच के बताएंगे, बीच में कुछ हमें ऐसा लगे कि आपको दिखाने जैसा है तो हम आपको दिखाएंगे। जाते जाते भी सनराइज आ जाएगा तो हम वहाँ का दिखा देंगे, वहाँ का दिखा देंगे रास्ते चलते टाइम पे तो आ ही जाएगा सनराइज, तो जहाँ रास्ते करेगा वहाँ का दिखाएंगे। और कुछ आपको बताना होगा या कुछ अगली मतलब ऐसा सजेशन बना लें कि ये जगह जाओ वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे जो महाराष्ट्र के अंदर रहेगा, कुछ यूनिक रहेगा तो हम दिखा देंगे, और हॉन्टेड प्लेस भी अगर रहेगा तो आप बताइए। ये अगर आपको इन चारों के साथ अगर आप लोग को देखना है हॉन्टेड वीडियो तो आप कमेंट में बताइए, तो ये हम लोग चार लोग बनाएंगे और यकीन मानो इन चार लोग के साथ हॉन्टेड वीडियो काफी अच्छी बनेगी, फुल एंटरटेन के साथ। हां गोलमाल 3 देखा रहेगा आपने उसी तरह गोलमाल 3। ठीक है तो अपना सजेशन बताइए, ये पीछे आदमी को ठंडी लग रहा है, चलो अंटेक्स पे बैठते हैं। हां तो चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फुटे की बात कर रहे थे, पता नहीं कौन है ये कैसा रुका हुआ है। देखो चलना यही हम लोग को दिखा था। सोचो रात के अंधेरे में 3 बजे के आसपास, 3 बजे ये अचानक से दिख गया था गाड़ी के सामने, गाड़ी के सामने। मेरे को तो अभी देख के इसको लगा, और कितना लंबा लग रहा था ये, लंबा नहीं लग रहा था तुम लोग को? है लंबा है, लंबा है यार ये, और सफेद ड्रेस में ऊपर घाट पे जो रास्ता आपको दिखाया उस पे, अभी तो 2 घंटे में ये आ गया नीचे, उसमें दिख रहा है लिफ्ट मांग रहा है। अभी भी देखे बीच रोड पे रुका हुआ था ये, यही इसको ही दिखाना था हम लोग को, इसका आगे से आप देखे रहोगे क्लियर आया रहेगा तो आपको पता रहेगा। रुक के जितना बता सका मैंने बताया, आप नीचे नहीं रुक सकते थे, पर चला वो भी है, उसको भी तंग नहीं करना चाहिए, सिर्फ देख के कोई भी देखेगा तो डर लग जाएगा उसको। और रात के 3 बजे अचानक से आप देख लो, पक्का डरेंगे, पक्का डरोगे, नहीं डरे तो बोलना।